हेलो गाइस, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके पास एक वीवो का हैंडसेट है, जिसका हमको मॉडल भी नहीं पता था कि वो मॉडल कौन सा है। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है वीवो का या कोई और दूसरा मॉडल भी, तो आप बहुत इजिली उसका मॉडल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज हमने इसको यूज किया है, इसमें जो टूल यूज किए हैं वो है UMT Pro, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मॉडल का हमने जो हैंडसेट हमारे पास आया था वो अनलॉकिंग के लिए आया था, जिसमें पैटर्न वगैरह लगा होता है, तो बहुत इजीली वन क्लिक में 10 से 15 सेकंड में आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह का हमने इस UMTK के थ्रू, जो कि MTK का वन क्लिक का टूल होता है, उसके थ्रू हमने इसे अनलॉक किया है। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर आपके पास कोई मॉडल आता है तो आपको ये पता नहीं उसको फ्लैशिंग करनी है या उसको अनलॉकिंग करनी है या उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, आपको मालूम है नहीं सेट डेड कंडीशन में भी आता है, या कभी आपके पास हैंगन लोगो पे आ जाता है, या कभी ऑन कंडीशन में आता है तो पैटर्न लगा होता है, तो आपको ये पता नहीं होता है कि उसे कैसे अनलॉक करना है, वो कौन सा मॉडल है, कौन सी फाइल डाउनलोड करें, क्योंकि वीवो के जो हैंडसेट होते हैं उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे वीवो के Y91, 90A5 ये सारे हैंडसेट जो है पूरे एक जैसे ही दिखते हैं आपको, तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इजी वे में आप इसमें मॉडल कौन सा है ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने वीवो UMT का जो कि MTK का वन क्लिक का टूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने बताया है कि वन क्लिक में कैसे आप उसका पैटर्न FRP वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, अनकट वीडियो है, फुल वीडियो मैंने डाला है, कोई स्किप नहीं है इसके अंदर, कोई फास्ट फॉरवर्ड में है नहीं। ये फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से हर रोज आपके लिए हम कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और UMC प्रोग्रामिंग, ये तीनों मिलकर एक एंड्रॉइड का कंप्लीट कोर्स होता है जो हम यहाँ पे फोन फिक्स हैदराबाद में। जी हाँ फ्रेंड, फोन फिक्स हैदराबाद आपका अपना इंस्टीट्यूट और देश का भरोसा, जो कि आपको हर बच्चे को यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमारा टेक्नीशियन भाई है, दुकान में बैठ के काम कर रहा है, उसको सोल्यूशन देने के लिए कोई नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी आपके पास तो आप फेसबुक पे पूछते रहेंगे या यूट्यूब पर जाएंगे, बार बार सर्च करेंगे, या तो फिर किसी ग्रुप में पूछेंगे कि कुछ सोल्यूशन दे दो। मैं बहुत सारे बच्चों के ऐसे पोस्ट देखता हूं कि हैंडसेट लोगो पे आता है, चार्जिंग का लोगो शो करता है या कभी चार्जिंग का लोगो शो नहीं करता है, कभी डेड हो जाता है, कभी पावर की सप्लाई वर्क नहीं कर रही है, कभी वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैंडसेट आते हैं, बच्चे बोलते हैं सर पोर्ट तो बना रहा है, CPU रिवॉल्व करके डाल लिए, इनसे प्रोग्रामिंग भी कर लिए, फ्लैशिंग भी कर लिए, लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, डेड फोन या फिर कोई फॉल्टी मोबाइल को बनाने के लिए आपके पास चाहिए होता है एक ही दो चीजें, एक होती है सर्किट की नॉलेज। तो सर्किट में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपोनेंट क्या क्या लग के है, कितना वहां पे वोल्टेज आ रहा है, सिग्नल कब आता है। दूसरा, आपके पास हैंड स्किल का काम होना चाहिए। इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट घूम रहे हैं, उसके बाद भी उनको काम प्रॉपर करने से नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी वो डिसअपॉइंट है, इंस्टीट्यूट जाकर महीना भर टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब बच्चे ये देखते हैं कि पास में कौन सा इंस्टीट्यूट पड़ता है, और ये देखते हैं कि बड़ा नाम किसका है इंडिया के अंदर, तो कभी भी बड़ा नाम मत देखिए, पास में कौन सा इंस्टीट्यूट पड़ता है ये मत देखिए, आप देखिए कि ऐसा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जहां पे बच्चे सीख के जाने के बाद में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अब फोन फिट हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जाते ही काम स्टार्ट कर दिए, जैसा पिछला बैच हमारा था 27 मार्च का, यहां पे मैं आपको उनके पोस्ट दिखा रहा हूं, देखिए जाकर के 2 से 3 दिन के जैसे ही घर पहुंचे बच्चे अपना काम शुरू कर दिए, और वो ग्रुप में पोस्ट डालते हैं, ग्रुप में सोल्यूशन लेते हैं, ग्रुप में जितने बंदे होते हैं 20-25 बंदे एक दूसरे को अपना सोल्यूशन शेयर करते हैं। कुछ भी नया IC आता है, कुछ भी नया सर्किट आता है, कुछ भी ऐसा नया हमको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम हमारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हमारे फेसबुक, उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे हम कोशिश करते हैं सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को देने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट बैच जो है हमारा 5 मई से है, जल्दी से कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिए कोर्स की। दोस्तों, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो ओनली सिंगल कोर्स करिए, या तो एंड्रॉइड करिए या तो आईफोन करिए, दोनों को मिक्स करके मत करिए। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों सिंगल कोर्स करना है। और चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि हमारे चैनल पे बातें नहीं सिर्फ काम होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास एक हैंडसेट है वीवो का Y91i। आज इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कैसे इसका पैटर्न पिन लॉक यहां से रिमूव करना है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि मॉडल कौन सा है तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये डाटा कुछ यहां पे आप देख सकते हैं, फोटोज है यहां पे। तो सबसे पहले आप यहां पैटर्न लॉक बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न लॉक लग के इस पे है और हमको पता नहीं है अभी पैटर्न इसका। तो चलिए कैसे रिमूव करना है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई करके देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी वीवो का मॉडल आ रहा है और उसका आपको मॉडल का नंबर नहीं मालूम है कौन सा मॉडल है क्या है, तो कैसे उसको करना है यहाँ पे हम डिटेल में बता रहे हैं इसको। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की ओर, यहाँ पे UMT MTK का टूल ओपन करेंगे जिसमें MTK वन क्लिक का जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पे सारे टैब मिलेंगे देखने के लिए, रीड इनफो, रीसेट फॉर्मेट, रीसेट FRP। तो सबसे पहले इसका मॉडल अगर पता करना है तो यहाँ पे रीड इनफो टिक लगा के एक बार, उसके बाद फोन को हम करेंगे ब्रो मोड में कनेक्ट। ब्रो मोड में कैसा करेंगे सर? तो वॉल्यूम अप बटन दबा के, कुछ फोनों में वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों भी दबाना होता है, कभी किसी में वन भी एक भी दबा के करना होता है, तो इसमें हम वॉल्यूम अप की दबा के कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका फोन देखो डिटेक्ट कर ले रहा है, तो इसके लिए वेट करेंगे एक 10 सेकंड में आपका यहाँ फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि मॉडल जो इसमें वीवो है 1820 जो कि वीवो Y91i मॉडल होता है। तो यहाँ पे पता तो चल गया मॉडल क्या है, इसमें अब हम इसे अनलॉकिंग करेंगे। ड्राइवर तो थोड़ा होता है कनेक्ट हो गया, ड्राइवर में कुछ बताएगा, डिवाइस मैनेजर में कुछ कनेक्ट हुआ कि नहीं वो बता। डिवाइस मैनेजर में आपका फोन जब कनेक्ट होगा तो एक पोर्ट बनाएगा मीडियाटेक का USB पोर्ट, जो कि इसका फ्लैशिंग वाला पोर्ट और अनलॉकिंग सब यही पोर्ट पे ही काम करता है आपका फोन। अगर ये पोर्ट नहीं बनेगा तो आपका इशू आएगा, पोर्ट नहीं बनेगा तो फ्लैशिंग नहीं होगा ना कि अनलॉकिंग होगा, ये सारी चीजें होती है। तो अब इसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले कौन सा टैब में जाना है, क्या करना है, वापस से निकाल के लगाएंगे कि कनेक्ट किए? इसे फिर से डिस्कनेक्ट करके वापस से हम क्या करेंगे, फिर से वापस वही सेम प्रोसेस, बैटरी निकाल के लगाएंगे, फिर से बैटरी निकाल के लगाएंगे। देखो मीडियाटेक के अंदर बैटरी लगाना मस्ट होता है क्योंकि बैटरी लगने से ही आपका काम होता है और क्वालकॉम में विदाउट बैटरी का भी काम कर लेता है। तो यहाँ पे बैटरी लगाना मस्ट है, मिनिमम 10% 50% बैटरी चार्ज होना चाहिए अगर आप जो भी काम कर रहे हैं। तो अभी पैटर्न वगैरह रिमूव करने क्या करेंगे? उसी के नीचे हमें यहाँ पे रीसेट एंड फॉर्मेट का एक टैब मिलेगा जिसमें हम यहाँ पे फॉर्मेट FS को रख लेंगे और रीसेट FRP भी अगर करना है तो वन टाइम पे आप दोनों भी काम कर सकते हैं। इसमें वन क्लिक में आपका ये टैब है, इसमें नाम ही इसका MTK वन क्लिक है जिसके अंदर आपका काम फॉर्मेट प्लस FRP वन क्लिक में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से वापस एग्जीक्यूट करके फिर से वही सेम प्रोसेस कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम अप की दबा के, जो कि हमारा ब्रो मोड में कनेक्ट होता है फोन। ठीक है, फिर से हमने कनेक्ट कर लिया, अभी यहाँ फोन एकदम कनेक्ट होने के लिए रेडी है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का सक्सेस का ऑप्शन आ गया, प्लस उसके बाद सीकिंग FRP रिसेट FRP सक्सेस, दोनों भी वन क्लिक में आपके ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड के अंदर ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है प्लीज डिस्कनेक्ट द बैटरी एंड वापस से फिर फोन को ऑन करके एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे अनलॉकिंग तो हमारा डन हो गया, एक बार फिर से हम इसको रिमूव करके बैटरी को रिमूव करके फिर से इंसर्ट करेंगे और एक बार ऑन करके देखेंगे हमारा पिन पैटर्न रिमूव हुआ या नहीं हुआ। 10% थी, 10% बैटरी था उसमें, फिर भी एक बार मैं इसको ऑन करके एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ चार्जिंग को क्योंकि वो ऑफ ना हो जाए फोन। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारा ऑन होते हुए, चलिए इसमें देखते हैं कि इसका जो पैटर्न था वो रिमूव होता है कि नहीं होता है। वन क्लिक में 10 सेकंड के अंदर हमने MTK वन क्लिक टैब में इसका पैटर्न रिमूव किया और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका जो पैटर्न था वो तो रिमूव हो गया। यहाँ पे एक बार रिसेट कर लेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा आपको रिसेट का, तो रिसेट कर दीजिए, कन्फ्यूज मत होइए, कुछ नहीं है, ये जैसे हार्ड रिसेट करते हैं उसी तरह से रिसेट हो जाएगा। एक बार आपको यहाँ से टैप से करना होता है, एक बार यहाँ से फोन से करना होता है, तो अभी ये एक बार रिसेट हो गया, अभी फोन ये बूट करेगा अपना फिर से। एक बार बैटरी रिमूव करके फिर से इंसर्ट कर लेंगे।
कुछ वीवो फोन्स में रिकवरी में डाल के एक बार फिर से रिबूट भी करना होता है। जैसे कि रिकवरी में आ गया, एक बार यहाँ से भी वाइप ऑटोमेटिकली आया ना अभी। हाँ, ये खुद ही उसको वाइप करना ही होता है, ये सब प्रोसेस ही है इसका वीवो में। बता तो यहाँ पे वाइप डाटा करेंगे, वाइप डाटा। ओके, अब ये हार्ड रिसेट टाइप हो रहा है, पहले पैटर्न वगैरह हट गया था इसका, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लेगा रिसेट होने में। ये सब कुछ जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, और आपको ये सब कुछ सीखना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इमरजेंसी प्रोग्रामिंग, आप आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप डाटा, रिबूट सिस्टम करेंगे एक बार। तो नेक्स्ट बैच जो है 5 मई से नेक्स्ट बैच है जिसका बुकिंग चल रहा है, लिमिटेड सीटें हैं, जल्दी से अपना सीट बुक कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। अगर आपको सब कुछ अपने हाथ से इस तरह से प्रैक्टिकल काम सीखना है, चाहे वो UFI बॉक्स हो, चाहे वो इजी अटैक हो, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लोगो आपका आ गया है, और यहाँ पे ये ना अगर हट जाने के बाद ये अगर रहता है तो ये आपका सेकंड लोगो होता है जिससे आपका फोन बूट अप करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, हमारा सेकंड लोगो पे अभी रनिंग हो रहा है, मतलब ये हमारा फोन ऑन हो रहा है। अगर कभी किसी स्टूडेंट जो कोई भी मार्केट में काम करता है वो जब फॉर्मेट करने में कोई गलती कर देता है तो आपका फर्स्ट लोगो पे ही अटक जाता है, जैसे कि एंड्रॉयड लिख के आता है और वीवो पे ही स्टक हो जाता है। तो इसका रीज़न उन लोगों को पता नहीं होता है, ये सारे चीज़ें हम बता देते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें वन क्लिक में भी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको ये आता क्यों है और इसको सॉल्व कैसे करना है, हम दोनों भी रीज़न बताते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे से कोई ऐसा गलती नहीं होता है कि कभी भी हम जब काम करते हैं तो हम एकदम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें बताते हैं। कभी मार्केट में लोग देखते हैं यूट्यूब पे देख के काम कर लेते हैं कि वन क्लिक में ऐसा करते वैसा करते और उसके बाद फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे हो जाता है या कभी फ़ोन डेड भी हो जाता है। इन केस में क्या हो जाता है, उनसे गलती हो जाती है, कोई टैप में प्रेस कर लेते हैं, कोई फॉर्मेट इफेस, कभी कभी फॉर्मेट FS की जगह पे इरेज FS भी कर देते जिसमें IMEI नंबर में नल हो जाता है। तो ये सारे सेफ मेथड हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा टैब, एक टैब के बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं कि कौन सा टैब आपको यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारे टैब के बारे में हम लाइव बताते हैं। करेंगे तो फोन डेडी होंगे, हैंग ऑन लोगे रहेंगे, नॉलेज तो प्रॉपर होगा नहीं। प्रॉपर सीखने के लिए तो ज्वाइन ही करना पड़ेगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट को जहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज सिखाई जाती है। YouTube का जो नॉलेज होता है आपका 5% भी नहीं होता है, अगर यहाँ जब आएंगे आप 100% ये पूरा नॉलेज लेके जाएंगे सब टाइप के बारे में। और इन फ्यूचर में आपको कभी YouTube भी खोल के देखने की जरूरत ना पड़ेगी, कभी ये कैसे करना है सर, ये इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इवन आपको एरर्स के बारे में बताते हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे कि YouTube में खाली फ्लैशिंग के बारे में बताते, लेकिन जब आपका एरर आ जाता है तब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता आपको, वो एरर को कैसे सॉल्व करना है। तो हम सारे यहाँ पे आपको जितने भी टाइप्स के एरर मिलेंगे, चाहे वो मीडियाटेक हो, चाहे क्वालकॉम हो, चाहे सैमसंग का हो, जितने भी ब्रांड के आपको यहाँ पे मॉडल्स मिलेंगे, सारे के एरर्स हम आपको यहाँ पे डीपली बताएंगे। और बच्चे पूछते तौफिक सर कि हम फ्रेशर है, सॉफ्टवेयर का काम कभी करे नहीं, ड्राइवर डालने नहीं आता, तो उनको क्या लेवल से स्टार्ट करते हो सिखाना? फ्रेशर बच्चा आ सकता है? फ्रेशर बच्चा सर मेरे पास पहले दिन में ही आपका पूरा मीडियाटेक का पूरा के पूरा फ्लैशिंग से लेके अनलॉकिंग पूरा कर लेता है एक ही दिन के अंदर, पूरा उसको इतना नॉलेज आ जाएगा कि वो जैसे कि 5 साल से पहले कर रहा होगा ऐसा उसको नॉलेज आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पूरा कितने अपने 5 से 8 दिन का मेरा टोटली, जैसे कि सॉफ्टवेयर का 4 दिन क्लास होता है और बाकी का 5 दिन MMC का क्लास होता है, तो ऐसे टोटल 9 दिन के अंदर मेरा टोटल आपका MMC से लेके सॉफ्टवेयर तक का पूरा क्लास उसको समझ में आएगा और कैसे वो खुद इवन MMC चेंज भी हाथ से करके जाएगा, और 90% जैसे कि MMC के प्रॉब्लम्स आते ये भी वो सॉल्व यहाँ से खुद से ही करके जाएगा। लाइव प्रैक्टिकल करवाएंगे हम उनको, सारा डाटा देंगे, फाइल्स वगैरह देते, वीडियोस वगैरह देते, प्रोसेस देते सॉफ्टवेयर का, तो आपका क्लास का पूरा वीडियो भी देते ताकि जाके बच्चा जो है फिर से रिवाइज कर सके। हाँ, कुछ स्टूडेंट जाने के बाद थोड़ा सा लेट काम करना शुरू करते तो वो क्या? नहीं लेते टूल्स, हाँ, नहीं लेते टाइम पे, नहीं लेते तो वो फिर से भूल जाते, तो इसके लिए हमारे पास उनका बैकअप पूरा रहता है, वीडियोज होता है, फाइल्स होते हैं, सब वो वापस रिवाइज जाके फिर से वो कर सकते हो काम।
तो ये सर तो फिर बहुत सारे बच्चे इसको हैंगर लोगो समझेंगे, इतनी देर रुक गया तो इसको क्या बोलेंगे। ये फर्स्ट टाइम कोई भी फोन आपका जब भी फॉर्मेट या फ्लैश या जो भी आपका फर्स्ट टाइम होता है तो इसको मिनिमम 5 मिनट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आपका ऐसा नहीं है कि ये फोन हैंग ऑन लोगों पे खड़ा हो गया इसके लिए हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। कुछ फोनों में आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता है, या फिर अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप वापस से बैटरी निकाल के फिर से बूट करो तो आपका वापस से 1-2 मिनट्स के अंदर ऑन हो जाएगा फोन। लेकिन हम यहाँ पे वैसा काम नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको पूरा लाइव बताना है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेट होते हैं ऐसा अनलॉक करने में अगर लोगो पे आ जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो फिर सर उसमें कुछ फाइलों में चेंजेस करना रहता है और कुछ हम डीप नहीं बताते कि कौन सा फाइल बताएंगे अगर कुछ अनलॉकिंग में, क्योंकि टूल जो रहते हैं फ्री के टूल्स रहते हैं, सारे सपोर्ट कभी सीपीयू सपोर्ट करता है कभी नहीं करता। देखो तो हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए हमने इसको रिबूट करके फिर से नहीं बताया क्योंकि हमको लाइव बताना था कि ये टाइम फर्स्ट टाइम कितना टाइम ले सकता है, इसके लिए आपको भी आपको पेशेंस रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सर, बैटरी निकाल के फिर से डालते हैं, फिर से फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा फोन हैंग ऑन लोगों पे अटक गया, तो ये गलतफहमी होती है। इसका टाइम होता है 5 मिनट्स का, आपको पेशेंस रखना है। अभी ये सेकेंड लोगों पे था तो मुझे कन्फर्म हुआ कि मेरा फोन ऑन है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि फर्स्ट लोगो सेकेंड लोगो क्या होता है, ये ऑन कब होता है कैसे होता है ये भी पता नहीं होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लोगो और सेकेंड लोगो पे हमारा ऑन हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे फोन के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कैसा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ये लाइव करके विदाउट, इसमें मैंने कोई स्किप नहीं किया है, कोई वीडियो रुका नहीं है, ये फुल अनकट वीडियो है। आपको इसलिए बना रहे ताकि जो बच्चे पहले जाके काम कर रहे हैं या YouTube पे देखते हैं या कुछ सोल्यूशन चाहिए होता है तो आपके पास अगर इस तरह के सेट्स आते हैं तो आप बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए कौन सा टूल कौन सा टैब कब यूज़ करना है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना तो फिर सर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो प्रॉब्लम था ये वाला पैटर्न रिमूव हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर सब कुछ सीखना चाहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और EMMC प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है, आज ही कॉल करें व्हाट्सअप करें डिटेल ले लीजिए और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। फ्यू सीटें हैं हमारे यहाँ पे और आपको सब कुछ प्रैक्टिकली हम यहाँ पे कराते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।